नमस्कार मित्रों, आज मैं जीवन की अत्यंत ही गहनतम सच्चाइयों के बारे में बताने जा रहा हूँ। यदि जीवन के का निरीक्षण अत्यंत ही सूक्ष्म तरीके से किया जाए तो हम पाएंगे कि जीवन या प्रकृति अपने आप में एक द्वंद है। जीवन है तो मरण है, आशा है तो निराशा है, अनुराग है तो विराग है, सफलता है तो असफलता है। हमारा कोई भी मार्ग हो, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच से गुजरता है और कभी हम इन दोनों धाराओं के एक तरफ या दूसरी तरफ होते हैं, पर अंततोगत्व हमारे जीवन का बहाव इन दोनों धाराओं के बीच से ही होके गुजरता है। तो ऐसी स्थिति में निराशा या जीवन की विडंबना से हमको प्रभावित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या इस तरह की द्वंद्वात्मक स्थितियां आएं तो हमारा क्या अभिप्राय होना चाहिए, हमारी क्या दिशा होनी चाहिए, इसी बिंदु पर आज हम बात करेंगे। जीवन में जब भी निराशाजनक परिस्थितियां होती हैं, चाहे वो अवसाद हो, चाहे वो असफलता हो, चाहे वो घोर दुख हो, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे इर्द गिर्द अंधकार ही अंधकार है। और जब हमारे जीवन में सफलता होती है, हमारे जीवन में आशा की किरण होती है, हमारा जीवन सुखमय होता है, हम मित्रों के और साथियों के बीच होते हैं, खुशी के पलों में होते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारा जीवन प्रकाशमान है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि अंधकार और प्रकाश दोनों जीवन के ऐसे दो पहलू हैं जो हमेशा एक दूसरे के साथ चलते रहे हैं, और हमारा जीवन अविरल धारा की तरह इन दोनों के बीच चलता रहा है। ऐसी स्थितियों में हमारे जीवन को अगर सही दिशा मिल जाए तो हमारी जो दुर्दशा होती है किसी भी विपरीत परिस्थितियों में, वह कभी ना हो। तो यह सही दिशा मिलेगी कैसे? यह सही दिशा इस तरह से मिलेगी कि हम अपने जीवन का मूल्यांकन सही दृष्टि से कर पाएँ और उसी के अनुसार इस अविरल धारा के बहाव में निरंतर चलते रहें। अब प्रश्न यह उठता है कि जीवन का मूल्यांकन करने का सही दृष्टिकोण क्या है? जहाँ तक मैं समझता हूँ, जीवन की जो दिशा है वह असफलता और सफलता के बीच की दूरी नहीं, सफलता और असफलता के बीच से होने वाला वह मार्ग है जो जीवन की आरंभ से जीवन के अंत तक जाता है। वह एक ऐसा मध्यम मार्ग है जो असफलता सफलता के बीच, निराशा और आशा के बीच समानांतर
इस तरह के जितने भी द्वंद्व हैं उन द्वंद्वों के बीच से समानांतर जाता हुआ आरंभ से अंत की ओर जाता है। जब हमारा अनुराग या विराग किसी परिस्थिति मात्र से होता है, जैसे मान लीजिए हमारा अनुराग सफलता से हो, तो जब भी हम असफल होंगे तो हम विषाद युक्त होंगे। हमारा आत्मविश्वास चरमरा जाता है और हम दिशाहीन हो जाते हैं, पर यह सही उपाय नहीं है। सही उपाय यह है कि हम अपनी मंजिल की तरफ निरंतर बढ़ते रहें और वो मंजिल आरंभ से अंत की ओर ऐसी मंजिल है, ऐसी राह है जो कि सारे के सारे परिस्थितियों के अनुराग और विराग या अच्छे लगने और उससे विरक्त होने दोनों से दूर है। सभी चीज़ों को सहज रूप में स्वीकार करने पे किसी तरह का बोझ मन पे नहीं रहता है और आदमी किसी भी तरह की परिस्थिति में किसी भी तरह का कदम उठाने के लिए तैयार रहता है और वह कोई भी निर्णय ले सकता है। ऐसी स्थिति में किसी भी चीज़ की प्रतिक्रियात्मकता बड़ी सहज हो जाती है और प्रतिक्रियात्मकता सहज होने से नए नए कदम उठाना, नई दिशा में बढ़ना, पुरानी चीज़ों को, अवसादों को, मन और दिमाग के बोझ को हटा देना बड़ा ही सरल हो जाता है। और यह सरलता ही असल में जीवन का पर्याय है। मित्रों, यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि इस तरह के वीडियोस के साथ मैं आप लोगों के समक्ष उपलब्ध होता रहूं। मित्रों के लिए तथा समाज के लिए यलगार हो, उद्गार हो।